और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जनता है और जानेंगे इनसे इस बार क्या रुझान है इलेक्शन को लेकर और विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ माहौल है आपके क्षेत्र का और क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ रुझान है आप लोगों का। इस बार तो हम लोग के यहाँ जो वर्तमान में मंत्री महोदया हैं वही मतलब यहाँ से दोबारा चुनाव जीतेगी यही हम लोग को उम्मीद है। मतलब क्या कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में आपके गांव में? विकास हुआ है जो 15 वर्ष में मतलब अशोक गहलोत नहीं कर पाए वो 3.5 साल में मैडम मतलब जो है उससे ज़्यादा करके दिखाइए। JMM सरकार की योजनाओं का सारा लाभ मिला है आप लोगों को? हाँ मतलब जो है 99% मतलब हम लोग के गांव में मतलब जो है पब्लिक को बिजली बिल सबका 35,000, 30,000, 40,000 करके सबका माफ हुआ है। सबके खाते में मतलब मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा है। आप लोग का मतलब मन बना हुआ है? हाँ हम लोग का मन बना हुआ है कि मतलब जो दोबारा इन्हीं को विधायक बना करके मंत्री मतलब जो बनाएंगे। और अपने कार्यकाल में दीपिका पांडे सिंह जी जो है अपने कार्यकाल में आपके गांव में कैसा कुछ विकास की और क्या कुछ इस बार आप लोग का मूड? मैडम का मन है कि मैडम जीते इस बार फिर से। विकास क्यों जीते क्यों क्या वजह? सारा विकास किया है जैसे मैया सम्मान हो और क्या कहते हैं मैया सम्मान हो उसके बाद सड़क हो बिजली हो कृषि विभाग से क्या कहते हैं कृषि लोन माफ़ी किया है अब वो आवास भी दिया हमें बहुत सारा गरीब को अभी आवास मिला। और खास करके जैसे कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई भी विधायक जब अपने क्षेत्र से बन जाते हैं तो वोट लेने तो डोर टू डोर आते हैं लेकिन इसके बाद लोगों से जो आम जनता है ग्रामीण उनसे कनेक्टिविटी छूट जाती है बिल्कुल ऐसा कुछ? नहीं 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 मैडम से वैसा नहीं हमेशा आते रहती है बराबर आते रहती है मिलते रहते रहती किसी के घर जनता से क्या कुछ खास मतलब कनेक्टिविटी रहता है मैडम का या फिर सिर्फ चुनाव के समय नज़र आती है? वैसा बात नहीं है सबसे पहले बात एक्सप्रेस न्यूज़ का हमारे ठाकुर कंट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज तक जो है ना वैसा विधायक नहीं आए हैं कि जो कि जनता के बीच में हमेशा जो है रूबरू हुए ये हमेशा जनता के बीच में आना जाना लगातार रहती है। और रही बात विकास की बात तो जो है ना अभी जो है विकास का तो जो है ना इतना विकास की है जैसे कि आपके यहाँ महागमा में 300 बेड का जो है हॉस्पिटल फिर जो है मेहरमा में कोल्ड स्टोर और राइस मिल। कोल्ड स्टोर बन गया है? नहीं बना नहीं है जो है ना वो काम चालू है। हाँ फिर आपका भगैया में जो है पार्क ठाकुर गंगटी में डिग्री कॉलेज मतलब अपने कार्यकाल में विकास की विकास की तो गंगाबाद विकास को देखते हुए और जो है विकास को देखते हुए फिर इनको जो है ना विधायक तो बनाएंगे ही और हम लोगों का अपेक्षा है कि ये 3 महीना की मंत्री रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सरकार में ये 5 साल के लिए मंत्री बनेगी। सहारा में जितने लोगों का पैसा फंसा है उसे वापस लाने की बात कर रही है BJP इस पे क्या राय है? सहारा इंडिया कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ना कंपनी है रही हुए और राष्ट्र लेवल पे हो रही है ना कि वो झारखंड में रही है और वो सारे इंडिया से भी वर्सेज सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है सहारा वर्सेज सेबी की लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है और उसमें जो है सेंट्रल को इसमें पहल करना चाहिए गरीबों को पैसा मिलना चाहिए। हम भी जो है ना सहारा में एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे 12 लाख वर्कर थे पूरे इंडिया में उसका आज उसका दुर्दशा किस तरह से जिंदगी जी रहा है सहारा इंडिया के वर्कर ने तो उस पर सरकार को जो है मेरा सहारा का नाम लेके मेरा जो है ना पहल करना चाहिए कि गरीबों का तो पैसा उसमें फंसा ही है लेकिन जो है जो 12 लाख वर्कर रहा है उसका भी हाल को देखना चाहिए कि किस तरह से हाल अगर मान लिया जाए कि उसका हाल को नहीं दे तो मेरा जो है फ्यूचर फंड का जो पैसा लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वापस कर दे हम लोगों को उसमें भी हम लोगों का तो कर्मियों का भी पैसा इसमें फंसा हुआ है। हाँ। जो अनुबंध कर्मी जितने हैं जो 12 टीचर वगैरह उन लोगों को भी नियमित करने की बात की जा रही है तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सरकार के ऊपर है सरकार अगर फिर से आती है तो रहा जहां सहारा इंडिया का तो अभी तो उन्हीं के हाथ में है। जब से मैडम बनी है गांव में बिजली नल रोड सड़क मैया सम्मान योजना इससे महिलाओं को बहुत सहारा मिला है और इससे महिलाएं बहुत खुश हैं गरीब को और क्या